अभी बना रही हूँ मैं इसमें पॉपकॉर्न खुशबू के लिए। और हम लोग ना कोई मिल गया मूवी देख रहे थे, तो खुशबू को फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, हमारे बचपन की मूवी है, तो वही सोच रही थी। मैंने कहा थोड़े से पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, तो यही वाले यूज़ करती हूँ मैं, वो एक्टू वाले नहीं यूज़ करती। ये जो आते हैं ना नॉर्मल वाले दाने मक्की के सूखे हुए, तो वो उसी से बना लेती हूँ मैं। और विसल निकाल लिया तो मोस्टली बन ही गए हैं, तो मैं ऐसे कुकर में ही बनाती हूँ और इजीली बन जाते हैं। और मैं चेक कर रही थी, कुछ कुछ दाने ना फूटे नहीं थे, क्योंकि अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए और तेल कम हो जाता है ना, तो कुछ कुछ दाने रह जाते हैं। वैसे तो अच्छे से हो गए थे, और खुशबू को तो पॉपकॉर्न वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, अच्छा लगता है, और मुझे भी पसंद है, इसीलिए हमने अभी बना लिया पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुके हैं, खुशबू को पता नहीं है। ऐसे नहीं, सारे नहीं उठा कर लेते, बाउल में लेते, बाउल में। देखो बड़ा वाला बाउल निकाल रहा है। रुक जाओ उसको गीला है, सूखा करो इसको। ले लो, हाँ हाँ, आराम से बिट्टू, गरम में खुश, आराम से निकल, नीचे गिर रहे हैं बहुत सारे। हाँ रुक जाओ, मैं दे रही हूँ आपको। कितने छोटे बाउल है। आजा, इधर आजा, चलो शूज पहनो। शूज पहन लो जल्दी से। क्या 3 मार्च को? तो हम लोग शाम के टाइम जा रहे थे मार्केट, और बाहर मंडी लगी थी, तो सब्जी लेनी थी और 2-4 चीज़ें घर की भी लेनी थी, तो यहाँ पे मिल जाता है इजीली, तो इसी वजह से हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और खुशबू को भी मज़ा आता है ना सब्जी वगैरह लेने में, तो इसी वजह से आ गए थे यहाँ पे। दिखाओ, वे गया, लाओ पापा को दे दो। तो सब्जी और फ्रूट लेने के बाद हम लोग घर ही जा रहे थे, और मुझे ना ये दिख गए, कोकोनट वाटर मिलता है यहाँ पे, और रिजनेबल रेट में मिलता है, 100 के 3 देता है ये नारियल, और बहुत ही अच्छा, मतलब रिव्यू सुना हुआ है इसका, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं ना, तो हमने भी यहाँ से लेके देखे हैं इस बार। इधर देख पूंजी। आप बोलो चीज। कान्हा जी के लिए ड्रेस ली है, होली के लिए ये जो ड्रेस होती है ना वो ली है, होली लिखा हुआ है उस पे, और ये सब बना हुआ है। एक्चुअली मुझे ना कान्हा जी की बांसुरी लेनी थी, तो वो लेने गई थी मैं, इस टाइप की बांसुरी ली है, ऐसी है, फिर एक ये है, मोर बना हुआ है एक पे। और एक है ये वाली, इसके ना वो अच्छा नहीं है पन्नी उसके जो थे ना, एक ये है हीरे वाली है ये। तो ये 3 बांसुरी ली है,
और एक ये लिया है, और ना कुछ कटलरी लेनी थी तो ये रबर बैंड्स लिए हैं जो ब्लैक वाले आते हैं ना, और एक ये लिया है डब्बा जिसमें पाउडर लगाने वाला आता है ना। तो अब समर्स में ना पाउडर इसमें निकाल के सही लग जाता है बच्चों को। और एक ये नेल के लिए फाइलर लिया है, और दो ना शॉर्ट्स लिए हैं इस टाइप के, ये है और एक ये है बड़ी साइज़ के लिए हैं, थोड़े से गर्मियों में सही रह जाए ना वैसे वाले लिए हैं। और इसमें ना मेन पॉकेट्स हैं तो सही रहता है थोड़ा सा, ये सब लिया। और फ्रूट्स वगैरह लिया, और ना यहाँ पे जो नारियल लिया ना कोकोनट वाटर, वो यहाँ पे 100 के 3 मिल रहे थे, अभी 2 हफ्ते से ही स्टार्ट हुआ है ये, तो आज हम वो भी लेके आए। और अभी अभी कपड़े तय लगा के रखे हैं, और घर में काम चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, बालकनी कवर कराने वाले हैं हम, तो ये सारा कुछ यहाँ रखा हुआ है। और भैया लोग ना आके ये फ्रेम लगा के चले गए हैं, अब ग्लास और वो सब लेके आएंगे। आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ दे रहा है। तो ये सारी फ्रेमिंग वगैरह हो चुकी है, और इसमें अब जो ग्लासेस लगेंगे ना, जो स्लाइडर्स लगेंगे, तो वो लेने गए हैं और अपना लंच करने गए हैं, तो अभी ब्रेक लिया है उन लोगों ने। और मैं यहाँ पे ना कपड़े तय कर रही थी, तो राजन गए हैं अब खुशू को लेने के लिए स्कूल में, और उसका भी बस अब 3-4 दिन का रह गया है स्कूल, बाकी उसका स्कूल कंप्लीट होने वाला है अब। और अभी मेड भी आके गई है, बर्तन वगैरह अभी भी वॉश हुए हैं। इधर आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से, इधर बैठ के बना लो। क्या बना रहे हो आप? इधर इधर रख लो, इधर ऐसे बैठो। हाँ, क्या बना रहे हो आप? शिप है ये सबमरीन है, क्या है? ये आपने कलर तो बहुत अच्छा किया है, खुशू किसमें से देख के किया था हमने? कलर करने में ध्यान है, चलो कर लो। नहीं कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, सिर्फ बुक में कर सकते हैं? हाँ, ड्राइंग बुक में। ओके, ड्राइंग बुक में। तो अभी जो ये भैया आने वाले थे ना, उनका कॉल आया, किसी रीजंस की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। मैं बाहर से आपको दिखा दूं किस तरीके से बना हुआ है। लेडर रखी हुई थी क्योंकि उनको ना यहाँ ऊपर से फिटिंग करनी थी, और उनका सामान भी ऐसे ही रखे गए थे वो। तो अब मैं ये सारा कुछ बाहर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि खुश को अभी तक तो आने नहीं दिया इस रूम में। और ये वाले ना बहुत तेज़ होते हैं, इसके ना जो पॉइंट्स होते हैं ना बहुत चुभने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ ये सारा कुछ अभी बाहर कर दूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे अब कल, तो कल तक ये ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको बाहर करते हैं। तो आज तो ये काम हो नहीं पाया, और घर का ये काम ना आज भी ना हो पाया ना, तो दिमाग ऐसे हो रहा था कि पता नहीं और कितने देर काम ये चलता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी घर में कुछ भी काम कराओ ना, इतना गंदा हो जाता है घर, मतलब मिट्टी मिट्टी धूल, कितना भी कुछ कर लो ना फिर भी सफाई सही से नहीं होती। और वैसे भी दिमाग में और 2 दिन काम चल रहे थे ना, तो मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रही थी कि यार कैसे कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने एक एक करके बाहर रख दी, और सोचा कि यहाँ पे झाड़ू भी लगा लूँ और पोछा भी लगा लूँ, क्योंकि जो भी मिट्टी और जो ये ना
फिटिंग के चक्कर में जो उन्होंने ऊपर से तोड़ा था ना, तो उसकी वजह से सारा घर ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं घर में कौन सा ही काम इतना बड़ा करवा रहे हैं। पर चलो ये वाली बालकनी अगर कवर हो गई ना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा और ये बालकनी भी यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि जब से मतलब यहाँ रहने आए ना इस बालकनी में ज़्यादातर कोई ऐसा काम नहीं होता ज़्यादा, ना यहाँ हम खड़े रहते हैं या ना ज़्यादा हम कोई कपड़े सुखाते हैं, कोई भी ऐसा काम ज़्यादातर यहाँ नहीं होता। तो इसी वजह से हमने सोचा कि ये बालकनी को यूटिलाइज़ करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी जगह है पर अगर थोड़ी सी जगह को सही चीज़ की तरीके से यूज़ किया जाए ना तो बहुत अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा कैसे यहाँ ये कॉर्नर को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, क्या यहाँ पे प्लान कर रहे हैं हम बनाने का, तो वो आपको पता चल जाएगा जल्द ही। तो फाइनली यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं अब फ्रेश होने जाऊँगी। तो चलिए कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।